उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मानिकपुर तहसील में आज 1/9/2018 को तहसील मानिकपुर के अधिवक्ताओं एवं समाज सेवियों द्वारा पूर्व उप जिलाधिकारी संदीप कुमार वर्मा की विदाई समारोह एवं अन्य नए उप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार वर्मा का स्वागत समारोह किया गया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष राम दिनेश द्विवेदी, राज नारायण पांडे, महापौर तहसील संघ रमेश चंद्र गुप्ता, संजीव द्विवेदी आदि उपस्थित रहे। मंच के संचालक उपाध्यक्ष पंकज, उपाध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में किया गया। इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को नाश्ता की व्यवस्था अधिवक्ता संघ द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से मरकुटी थाना क्षेत्र से सीता प्रसाद की रिपोर्ट। पूरी खबर दिखा रहे हैं आप वीडियो के माध्यम से। जो इस समय इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चित्रकूट जिले के मानिकपुर तहसील से। ये मेरा पहला ही पोस्टिंग है तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि मानिकपुर क्षेत्र हम सभी को पता है कि ये पिछड़ा है, तो यहाँ पे सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके यहाँ के क्षेत्र का डेवलपमेंट कराने का एक बहुत बड़ा अवसर मुझे मिला है। और मुझे लगता है कि इसमें आप सभी के सहयोग से एक यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। और जैसी तहसील हमारे पूर्व उप जिलाधिकारी जी जो विचार रहे हैं उससे हम आप सभी के सहयोग से इसको और इम्प्रूव करेंगे, इसे बेटर करेंगे, इसे अच्छा करेंगे। यहाँ पे जो भी न्याय की व्यवस्था थी उसमें भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और उसमें रूल ऑफ लॉ के अंडर रह करके उसमें काम करेंगे। और जैसे कि आज मैं सुबह गया था, यहाँ पे नदी जो है वहाँ पे कुछ समस्याएं देखने को मिली थी, तो उसमें भी उस पहली बार जाने से कुछ पता लगा कि इस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। तो अभी तो वैसे मैं क्षेत्र का भ्रमण करूँगा और देखूंगा कैसा है यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ी जानकारी लेंगे। तो उसके बाद मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के सहयोग से एक अच्छा यहाँ पे कार्य करेंगे। धन्यवाद। हमारे ऊर्जावान युवा उप जिलाधिकारी ने उदाहरण सुने और उनकी जो भावना क्षेत्र के विकास के लिए जो जज्बा है वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मानिकपुर में शासन की विकास की योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे तहसीलदार साहब भी पूरे एसडीएम के बारे में और अपने अनुसाधक है बहुत सारी समस्याएं सर स्वयं सॉल्व कर डालते थे। सर का वो ऊर्जावान होना ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता। किसी भी समय कहीं भी जाना हो बिना किसी डर भय के वो चल देते थे। इन्होंने मुझे एक कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये दृष्टि पावर की रहता है। जैसा कि मेरे आगे पहले लोगों ने बताया था कि दृष्टि पावर कराता है, अगर ऐसा यहाँ पे दिक्कतें बहुत जाती है चार बार को भी बदलाव कर देते हैं। हमने यहाँ महसूस नहीं किया और मैं आपको बोले रात होंगे रात में अगर समस्या पानी की पड़ी है तो हम दो बजे रात दृष्टि पावर बाद में रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ है। पिछड़ा वर्ग बहुत है, सर के सहयोग से जितना संभव हो सकता था काम किया मैंने और चाहूँगा हमें भी
जो भी मैं मेरी उस तरह ज्यादा नहीं है, 4-5 साल की सर्विस है, जो भी अनुभव मेरे पास है वो मैं इनको दूंगा। अगर चीजें कुछ ना होने पाए चाहूंगा आप लोगों से भी अच्छे से सहयोग करें, बढ़िया से सर को लिखना आगे से हम लोग इस प्रशासन के बारे में बहुत दे सके। पढ़ाई में ट्रेनिंग में एक अलग अनुभव होता है, वास्तविक जहाँ भी करना पड़ता है वहाँ एक अलग कंडीशन आती है। हमें कुछ समय क्या निर्णय लेना है उस चीज के बारे में सर को अवगत कराना जाएगा। बाकी मैं तो ऐसे सर मोहम्मद बिल्कुल खिलाड़ी देना चाहूंगा।